हेलो दोस्तों, वेगन टूचिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे होठों को कालेपन को दूर करने का, होठों को गुलाबी बनाने का और होठों को सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनाए रखने का एक आसान से होम रेमेडी को लेकर आई हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के होठ रूखे सूखे होते हैं या समय के साथ होठ काले पड़ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं या धूम्रपान का सेवन करते हैं, उनके होठ समय के साथ काले पड़ जाते हैं। तो आज जो मेरी मेडिक को लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके होंठों को पिंक और सॉफ्ट बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एलोवेरा जेल को ले लेना है। हम यहाँ एक चम्मच एलोवेरा जेल को ऐड कर लेते हैं। मैंने पतंजलि के एलोवेरा जेल को ऐड किया है। दोस्तों, आप किसी भी अच्छे ब्रांड के एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं। तो हमें इसमें दूसरी चीज नारियल तेल को ऐड करना है। दोस्तों, नारियल तेल हमारे होंठों को सॉफ्ट बनाता है, हमारे होंठों को मुलायम बनाता है, हमारे होंठों के ऊपर जो पपड़ी जम जाती है उसे दूर हटाता है और साथ ही हमारे होंठों को पिंक और सॉफ्ट बनाए रखता है। नारियल तेल में ढेर सारे पोषक तत्व तो होते हैं जो हमारे होंठों को बेबी सॉफ्ट बनाने में, हमारे होंठों को नरम मुलायम बनाए रखने में और साथ ही हमारे होंठों को पिंक बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ आधी छोटी चम्मच नारियल तेल को ऐड कर लेते हैं। हम इसमें लास्ट में 4 से 5 बूंद नींबू का रस को ऐड कर लेंगे। और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, नींबू भी हमारे स्किन से डेड सेल को रिमूव करता है, हमारे स्किन को ब्राइट बनाता है और साथ ही स्किन के कालेपन को दूर करता है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स होकर एक सीरम की तरह बन गया है। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसे हमें लगाना किस तरीके से है। आपको इस तरह से उंगलियों में उठाना है और रोज रात को सोने के पहले अपनी डार्क लिप्स पर इस तरह से लगाना है और 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करना है। इस तरह से स्क्रब करने से सारे डेड सेल रिमूव हो जाएंगे जिससे आपकी लिप्स पहले से ज्यादा पिंक दिखने लगेगी। दोस्तों, इस तरह से 5 से 10 मिनट तक स्क्रब करने के बाद आप इसे आधे घंटे तक लगे रहने दीजिए और आधे घंटे के बाद नॉर्मल पानी से इसे धो लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी को लगातार 15 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके होंठ पहले से बहुत ही ज़्यादा पिंक हो गए हैं, आपके होंठों से कालापन दूर हो गया है, आपके लिप्स पहले से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, पिंक और चमकदार हो गए हैं। आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, ये 100% नेचुरल है इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फीडबैक शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।